हम लोगों को मिली तो जब हमारी बात दीपू भैया से हुई और जब जानकारी मिली कि हमारे चाचा जी साहित्यकार हैं, कीर्तनकार हैं, क्या बात है। तो देखिए हमने भी कहा दादा कुछ रचना करिए और ऐसी रचना करिए कि लगे कि कुछ लिखा गया है। बिल्कुल। तो देखिए दादा ने लिखा है, ये दादा की लेखनी है, आप लोग सुने। लेकिन उससे पहले फिल्म वाले कह रहे हैं क्या, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब चलती थी उस जमाने का एक गाना है, और जितने भी हमारे दादा लोग बैठे हैं ध्यान से सुनेगा। हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं। चल बेटा, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि चाचा जी नहीं रहे, मर गए, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, क्या निवेदन कर रही हूँ, सभी लोग सुने। हमारे दीपू भैया, मैं समझ रही हूँ कि आप बिजी होंगे, आप व्यस्त होंगे, लेकिन जहाँ भी आप हैं आप मेरी इन पंक्तियों को सुने और वहीं से मुझे आशीर्वाद दें। शाबाश। अरे विश्व की वेदना क्या मौत से भी, चल बेटा बेटा।
विश्व की वेदना क्या मौत से भी डर नहीं सकता। वो है कौन? कौन? कलम का हर सिपाही है, कलम का हर सिपाही है, अमर वहा मर नहीं सकता। कलम का हर सिपाही है, अमर वहा मर नहीं सकता। कलम का हर सिपाही है, अमर वहा मर नहीं सकता। कौन कहता है कि मर गए? कलम का हर सिपाही क्या बात अमर है वो मर नहीं सकता ना? हमारे चाचा इतने अच्छे रचनाकार और खुद कीर्तनकार थे, तो वो कैसे मरेंगे? ना 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 बेटे, सुनिएगा सुनिए। अभी तक लेखनी के लेखे का लाल जलता है, कीर्तन मंडल के नाम से क्या बात है, आज भी उनकी लेखनी का लालित्य जिंदा है। इसीलिए कहना है क्या, कलम का हर होकर हम सभी को देख रही है, हम सभी को सुन रही है। अमर है आत्मा जग में मात्र काया बदलती है, उजाला तो वही रहता मगर छाया बदलती है। Yeah!
अपनी निशानी छोड़ गई है तो हम कैसे कह दें कि वो हमारे बीच में नहीं है। इसीलिए कहना है क्या कलम का हर सिपाही है अमर वहां मर नहीं सकता। कलम का हर सिपाही है अमर वहां मर नहीं सकता। कलम का हर सिपाही है अमर वहां मर नहीं सकता। और इन्हीं पंक्तियों पर हमारे परम सम्मान्य दीपू भैया आपकी ओर से 201 पद मुद्राएं आदरणीय चाचा जी की स्मृति में याद में आपने समर्पित किया है। चाचा जी जहाँ भी हैं हम सभी को आशीर्वाद दे रहे होंगे और यकीन मानिए उनका हृदय इतना गदगद होगा। ऐसी श्रद्धांजलि मेरे पुत्र ने मेरे बेटे ने मुझे दिया है। क्या बात है बेटे? उनका हृदय पुलकित हो रहा होगा जहाँ भी वो होंगे। एक बात और कहनी है दुखी हमारे दीपू भैया सुनेगा परिवार के लोग परिवारीजन और हमारे दीपू भैया दुखी दीपू सकता इस घाव को कोई भर नहीं सकता लेकिन लगा जो घाव लगा जो घाव लगा जो घाव है दिल पर कभी वह भर नहीं सकता। लगा जो घाव दिल पर कभी वह टाइम नहीं। हिंदुस्तान में किसी से पूछो वो कहता हमारे पास टाइम नहीं। हम कहा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तब सवा अरब हो गए हो। अगर टाइम दे दिया जाए भगवान कसम पदुम 18 यूथप बंदर खाली यही पैदा हो जाए। तो एक बार तालियां बजाइए और मैं निवेदन करूंगा दोनों पार्टियों से थोड़ा टाइम का ध्यान रखें समय सीमा में। और ये हमारे कीर्तन कलाकार ये इस तरह ऐसे बैठे हुए जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान बजा दीजिए। और ये बहुत अच्छा है ज्योति कमल जी का कार्य। असल में थोड़ा सा ये जरूर समय ज्यादा ले लिया है ज्योति कमल। एक बार एक कीर्तन कलाकार ने इतनी लंबी कीर्तन गा दी कि श्रोता मर गया।
इतनी लंबी कीर्तन गा दी कि श्रोते मर गए। तो उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तन कलाकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन एक बार आपको सुन लियो। तो जोरदार तालियां बजाइए, इतना ज्यादा बहुत लंबा खींचने कोई जरूरत नहीं। हाँ हम तो सब 60 में निपटा देते, बहुत लंबा खींचे, दो बूंद जिंदगी के बहुत है। तो आइए मैं एक और, हमारे पास सूचनाएं आ रहे हैं। दीपू भैया बहुत काम ले रहे हो गुरु हमसे, व्यवहार भी लिखवा रहे हो, पुरस्कार भी लिख रहे, अनाउंसमेंट भी कर रहे, और दोनों पार्टियों का बैलेंस भी बराबर कर रहे, उधर आपके भी आदेश को मान रहे, तो ये सारे काम चल रहे। अभी एक भैया आए हमारे पास, राम मिलन मिश्रा, यहाँ बैठे 5 बार हमारे पास आ चुके और कहे हमका 500 के छुट्टा लाओ। 5 दैया हमारे पास आए, 500 के छुट्टा लाओ। एक बार तो उनका दिन हम 500 के छुट्टा गिनी, कहें यार ये तो 130 है, 370 कहाँ, हम कहा हुआ खत्म है 370 की तो बातें न करो, वो तो मोदी जी पहले खत्म कर चुके हैं। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती कोई अच्छा काम करो तो विरोध करते। अभी हम मैं यहाँ आया तो देखा एक आदमी लोटा लेके लैट्रिन जा रहा था, हमने उसको डांटा, हम कहा दीपू भैया प्रधानी कर रहे हैं तो इतने शौचालय बनवाई नहीं, और मोदी जी खुद इतने शौचालय बनवाई, तुम लोटा लेके बाहर काहे जा रहे हो, कहें तुम अपन काम करो, हम विपक्ष में हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे काम वाले भी विपक्ष में। लालू यादव हमको बिहार में मिले, लालू यादव से हमने कहा ये बताओ देश में आपने जो विकास किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन आपके खुद 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, ये विकास आपका बहुत अच्छा। कहने विकास नहीं है ससुरा, उस समय हम कांग्रेस की सरकार थे, हम कांग्रेस के विपक्ष में बैठते थे और कांग्रेस कहती थी परिवार नियोजन करो, 2 बच्चों से ज्यादा ना हो, तो हम विपक्ष में थे, हमने कहा कांग्रेस की ऐसी तैसी, वो 2 बच्चे कहती हम 9, अगर टाइम मिल जाता तो पूरे 1 दर्जन कंप्लीट करते। तो विरोध का अलग अलग तरीका, आप लोग इस विरोध के लिए तालियां बजाइए। और 370 हटी तो हमने बापू आसाराम से पूछा, 4 पंक्तियां पढ़ के मैं भैया रमेश सरल जी को बुला रहा हूँ कि मैंने बापू आसाराम से पूछा धारा 370 हटने पर आपके क्या है विचार, पूरा देश कर रहा मोदी और शाह की जय जयकार। बापू आसाराम ने कहा कि मैं भी नाचता गाता और हरसाता, या 370 की जगह 376 हट जाता। समझ रहे हो तो तालियां बजाओ, थोड़ा गंभीर बात, जब समझ में आवे तब तालियां बजाना। कुछ लोग काफी दूर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं और बिल्कुल बैठना चाहिए। अब समझ में आया कोरोना के बाद की ज्यादा मेल मिलाप अच्छा नहीं होता, थोड़ा दूरी बनाए रखे, लेकिन ज्यादा दूरी से भी ना बैठे कि कीर्तन का आनंद ना हुए। हमें गांव में एक रामलाल काका रहे तो वो हुक्का पी रहे थे। अच्छा अच्छा, तो वो रामलाल काका हुक्का पी रहे थे तो मैंने देखा कि हुक्का 5 फुट दूर रखा था, हुक्के की जो नली थी 5 मीटर दूर से हुक्का पी रहे थे। हमने कहा काका एक बात समझ में नहीं आई, आप 5 मीटर दूर से हुक्का काहे पी रहे हो, कहें बच्चा ऐसा है नशा पत्ती धुआं धक्कर से जितने दूर रहो, तो समझ रहे हो इतना भी दूरी न रखो कि मजा ना हो। मतलब कार्यक्रम में हम कीर्तन कलाकारों से निवेदन करते हैं कि समय जरूर 60 रखो, लेकिन इतना भी 60 न करो, इतनी जल्दबाजी भी न करो कि मजा ना हो, बहुत जल्दी में मामला गड़बड़ हो जाता है। एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको जल्दी थी तो 4 आदमी लाश लेके जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल वाले ने चारों से कहा साइड में हो जाओ हमको जल्दी, तो जो 4 लोग लाश ले जा रहे थे उन्होंने कहा ज्यादा जल्दी है तो इसको उतार देते तुम ही को लाद लेते, तो इतना जल्दी भी न रहे कि आनंद ना आए। तो चलिए मैं भी चूंकि समय सीमा में बंधा हूँ, और एक निवेदन और है, मैं भूल गया था भाई हमारे केएस सिंह जी का, ये बहुत गर्व की बात है कि बेटियों ने देश में देश का नाम विश्व स्तर पे ऊंचाइयां प्रदान की हैं। बिटिया कशिश सिंह राठौर, ये जो केएस म्यूजिक जो आप वीडियो बना रहे हैं,
ऑडियो बना रहा गुरु, मैं सेंटर में हूँ ना। हाँ, हमारी फोटो अच्छी निकालना जरा, काहे डिजिटल में भी हमारी निगेटिव आती है। अभी ज्योति कमल ने कहा कि नरकंकाल, देखो नरकंकाल कह तो दिया है तुमने, लेकिन इसका अर्थ तुम नहीं जानती। नरकंकाल का मतलब इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां और ठोको। और कंकाल का मतलब होता हड्डियों का ढांचा। हम अपनी वसीयत में लिख जाएंगे कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक आतंकवादी को भूंजा जाए, तो ये हमारी अलग टाइप की देशभक्ति। तो नरकंकाल का मतलब यही हुआ। हाँ, अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो अभी हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तालियां बजाओ इस बात पे। तो बिटिया कशी सिंह राठौर केएस म्यूजिक परिवार की निर्देशक है, और जिसने 11 वर्ष की उम्र में 10 अक्टूबर को गूगल से सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इस बेटी के नाम पे सिल्वर मेडल के नाम पे आपके तालियों का मेडल मिलना चाहिए। उसने कुछ सम्मान दोनों कीर्तन पार्टियों को, दादा राजकुमार खुरपेची जी को और हमको प्रदान किया है। उस बेटी के सम्मान में मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, तूफान में भी चराग जलाती है बेटियां। बेटे बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती है बेटियां। तो ऐसी बेटियों के लिए जोरदार तालियां आनी चाहिए। जिसने 11 वर्ष की उम्र में गूगल से सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, भाई हम सभी लोगों की ओर से उस बेटी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, स्नेहिल आशीर्वाद हम लोग प्रदान करते हैं। वाह, दादा राज कमल जी को अंगवस्त्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर दादा राज कमल जानते कि अंगवस्त्र, तो घर से नंगे ही आते हैं। बहुत लोग देखिए, एक बात समझ लो, नंगों का देश में बहुत बड़ा सम्मान है। गांधी जी अधनंगे रहते थे तो अंग्रेज उनसे डरते थे। अगर गांधी जी पूरे नंगे हो जाते तो हम लोग 47 से पहले ही आजाद हो जाते। तालियां बजाइए। और भैया रमेश सरल जी का क्या गुरु नाम है, सरल, अरे गजब। आप सरल हैं तो हम वक्र हैं, आप तीर हैं तो हम सुदर्शन चक्र हैं। तालियां बजाइए। और ज्योति कमल जी का पीत वस्त्र के द्वारा जय माता दी, जिसमें लिखा हुआ है बेटी की ओर से ये सम्मान दिया जा रहा है। और कौन हमारे लिए भी, अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी बिटिया है ना, ठीक, धन्यवाद। नहीं नहीं, कुछ लोग दावा कर देते लेकिन डीएनए की जांच के बाद कुछ अलग ही निकलता। तो बहुत बहुत भैया केएस जी को, म्यूजिक को और बेटी को हम लोगों की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा के दोनों कीर्तन पार्टियों का अभिनंदन करें। तालियां बजाते रहो गुरु, हाथ हाथ जेब के अंदर रखे हो, मैं समझ रहा हूँ। तालियां बजाने रहने से कोई दिक्कत नहीं। और हमारे कलाकार थोड़ा ठंड में परेशान है। दीपू भैया कलाकार, दो दो लीटर का कोल्ड ड्रिंक भिजवा दो। हेलो 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 हेलो, आवाज पतली करिए थोड़ा। हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो, बहुत सुंदर। हेलो हेलो हेलो, अभी आप लोगों ने बहन ज्योति कमल के द्वारा बहुत सुंदर सा कार्यक्रम सुना। बहुत अब चूंकि जवाबी का मंच है तो कुछ कहना पड़ेगा। कारण ये कि कर्ता क्रिया कर्म जब तीनों एक हो जाएं तभी विस्फोट होता है। आदरणीय बहन ज्योति जी, आप हमसे श्रेष्ठतम कलाकार हैं। मेरा गीत आया था, अरे के पिता माँ के ऋणी को चुकाना।
कोगे। ये है। अरे मैंने कहा कि संसार में ऐसा कोई पुरुष है नहीं जो अपने माता पिता का ऋण चुका दे। और आप कह रही हैं कि पिता माँ के ऋण को चुका भी सकेंगे। अब हमारी तो समझ से बाहर है। केवल पूरी रामचरितमानस में एक ऐसा पात्र निकला श्री हनुमान जी महाराज, ना तो उनके ऊपर गुरु ऋण, ना उनके ऊपर पितृ ऋण, ना उनके ऊपर मातृ ऋण। बहन ज्योति जी, आपने बताया पिता माँ के ऋण को चुका भी सकेंगे। अब हमारी तो समझ में नहीं आया, किसी की समझ में आया हो? ना महाराज ना। आदरणीय बड़े भैया दीपू भैया, प्रयास सुनिएगा, जैसा भी आया है बहुत बढ़िया है, स्वीकार कर रहे हैं। ले लियो महाराज, महाराज दक्षिणा ले लियो। और परमादरणीय हमारे भैया दीपू सिंह जी, जिनके अथक प्रयास के द्वारा आज इस टेंट को पेटेंट बनाया है, आपके कर कमलों के माध्यम से 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, माता भगवती कल्याण करती रहे। अब चूंकि जब जवाब और सवाल की बात आती है, मैंने कहा कि पिता माँ के ऋण को चुका ना सकोगे तो वो बजरंग सी भक्ति दिखा ना सकोगे। चूंकि जवाब लाना है तो कुछ भी लाना है। जय हो जय हो। चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए आपके पीस की तरफ। चलना नहीं सुबह, चलना अभी नहीं। आपने बताया बहन ज्योति जी, देखिए अब चूंकि अमर और मरना इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कलम का हर सिपाही वो कभी वो मर नहीं सकता,
आपने बताया, लेकिन सुनिएगा जवाब, अब सुनिएगा कि नहीं साहस नहीं साहस भरा जिसमें, जिसमें साहस नहीं है, नहीं साहस भरा जिसमें वो जीते जी ही मर जाता कितना ब्रीफ केस होता है, कितना चिकन और मांस खाया जाता है, कितना क्या होता है, यानी एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है। तो देखिए ज्योति जी सुनेगा, सुने आए हुए मेहमान वापस लौटाए नहीं जाते। आदरणीय बहन ज्योति जी, कभी मर नहीं सकती। देखिए आपके बगल से निकलने का प्रयास कर रहा हूं, सुनेगा यह है लेखनी, जो रचना है रची उसने वो रचना मिट नहीं सकती। कहना क्या बचा है काल, काल बचा है काल से कोई ये कार्य कर नहीं सकता।
कीर्तन शाब्दिक आनंद है, खटखट खटखट पटपट से काम नहीं चलता। बहुत सुंदर महाराज। नहीं सा भागा जिसमें वो जीते जी ही मर जाते, हुआ है जन्म हुआ है जन्म हुआ है जन्म तो है मौत को ही कुछ न कर पाता, हुआ है जन्म